देख रहे हैं ghamasan.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारतीय। चौदह साल का बच्चा सांपों का दोस्त कैसे बना? पकड़ चुका है अब तक 500 जहरीले सांप। सांपों से खेलने वाले 14 साल के बच्चे की अनोखी कहानी आज तक नहीं सुनी होगी आपने ऐसी कहानी। इस कहानी का नायक है 14 साल का समर, जो कि अब तक 500 से ज्यादा जहरीले सांपों को पकड़ चुका है। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि कितना छोटा बच्चा बड़े बड़े जहरीले सांपों को कैसे पकड़ रहा है, उनके साथ कैसे खेल रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने उसे राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक से भी सम्मानित किया है। तो आइए जानते हैं समर की पूरी कहानी। समर सांपों से बहुत प्यार करता है। किसी भी रिहायशी इलाके में सांप निकलता है तो समर तुरंत वहां पहुंच जाता है। वो सांप को मारने नहीं देता बल्कि खुद पकड़ लेता है। छोटी सी उम्र में जब लोग उसे सांप पकड़ते और गले में लटकाकर चलते देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। समर पिछले 5 सालों से सांप पकड़ने का काम कर रहा है। समर के पिता गणेश मालवीय सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और वे भी सांप पकड़ने में माहिर हैं। अब तक 10,000 से भी ज़्यादा सांप पकड़ चुके हैं। समर का कहना है कि वो अपने पिताजी को देखकर एक कौशल सीखा है। समर जब भी सांप पकड़ने जाता है तो उसके पिता भी साथ जाते हैं। अगर समर को कोई मुश्किल होती है तो उसके पिता उसकी मदद करते हैं। समर सांप पकड़ने में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल है। उसके दोस्त भी सांपों से उसकी दोस्ती पर आश्चर्य करते हैं। एक बार स्कूल के मैदान में सांप आ गया। जहां सारे बच्चे उसे देखकर भाग गए, वहीं समर ने आसानी से सांप को पकड़ लिया। समर को पिपलोदा नगर की आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास एवं पुलिस निरीक्षक निवास में दहशत फैलाने वाले खतरनाक सांपों को पकड़ने और उससे 40 परिवारों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित किया है। समर का कहना है कि मैंने ये कौशल अपने पापा से सीखा है। जब वो सांप पकड़ने जाते थे तो मैं भी साथ जाता था। इससे सांप के प्रति मेरा डर खत्म हो गया। फिर आंगनवाड़ी में मैंने सांप पकड़ा तो लोगों को विश्वास हो गया। मैं अब तक बहुत सांप पकड़ चुका हूँ। वो कहता है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, मैं उसे पकड़कर जंगल में छोड़ आता हूँ। सांप किसानों का मित्र है। फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले चूहे व अन्य जानवरों को सांप खा जाता है। समर के पिता का कहना है कि समर ने ये काम कुदरती रूप से सीखा है। मैं खुद सांप पकड़ता हूँ और सांप को लेकर घर आता था तो वो भी देखता था। कोई घायल सांप होता है तो उसका उपचार भी करता हूँ। इस काम में समर भी सहयोग करता था। इससे उसकी रुचि बढ़ी और वो सांपों से दोस्ती कर बैठा। समर मेरा इकलौता लड़का है, मैं उसे इस तरफ नहीं लाना चाहता था। उसे राष्ट्रपति वीरता पदक मिलने से बड़ी खुशी हुई। समर ने अभी तक इतनी छोटी उम्र में 500 से ज़्यादा सांप पकड़े हैं। मैं खुद 10,000 से अधिक सांप पकड़ चुका हूँ। समर बड़ा होकर सेना में जाना चाहता है। ये सब कुदरती हुआ सर। कारण क्या है कि जैसे अब इसकी उम्र बहुत अभी भी छोटी है, लेकिन जब क्या है मैं थोड़ा सा ये सांपों को बचाने का मेरा एक संरक्षण का एक मिशन टाइप है। मैं बचाता हूँ सांपों को, मतलब सांपों को भी बचाना और इंसानों को भी बचाना। तो इस बीच में कहीं ना कहीं ये बीच में जुड़ चुका है। मैं घर लाता हूँ, अगर कोई सांप को मार देता है तो डंडा मार देता है, घायल हो जाता है तो उसका इलाज करता हूँ। तो ये धीरे धीरे उसमें भी सहयोग करने लगा, तो इसका डर भी निकल गया और ये मेरा एक सहभागी हो गया है। अभी तक इसने कितने सांप पकड़ लिए और सबसे कठिन सांप कौन सा पकड़ा होगा इसने? मतलब अब काउंटिंग तो मैंने इसके लिए नहीं करी है, बाकी फिर भी कुछ भी 500 से ऊपर तक तो हो ही गए हैं काफी, क्योंकि मेरी खुद की काउंटिंग 10,000 के ऊपर हो गई है तो ज्यादा ही है मामला। लेकिन इसके लिए कोई गणित अपना लगा ही नहीं है, पर इसका ये रहा है कि सहयोगात्मक रूप से भी इसने 400-500 तो करे हैं रेस्क्यू। और खतरनाक जो सांप है वो इस क्षेत्र में है, ब्लैक इंडियन कोबरा, वो सांप बहुत खतरनाक है और इसने सेफ करा है। ये बच्चा छोटा है, अभी इस फील्ड में आ गया है जी, तो ऐसा लगता कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाए? मैं भी इसको फील्ड में नहीं ला रहा हूँ। मैं मेरा तो ये है कि ठीक है अभी मैं सक्रिय हूँ इस मामले में और जितना मेरे से बन पा रहा है इतना कर रहा हूँ, तो वहाँ तक तो है ये। लेकिन अब मेरा भी इकलौता लड़का ही है तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि इस सेवा में कहीं कुछ गड़बड़ हो। तो मेरा तो ये कहना है कि जब तक अच्छा हो सके करो, बाकी तो ऊपर के वाले के हाथ में है, क्या हो सकता। देखो बच्चे को अभी वीरता पदक भी मिला है जी, क्या उद्देश्य लेके चला जीवन के इसके लिए आपने? वीरता पदक जो मिला है उसके लिए हमको बहुत खुशी हुई और क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी हुई, हमारे परिवार में भी इस बात की खुशी रही है। और ये जो पदक मिला है वो इसको इसकी बहादुरी के लिए मिला है। इसने यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र में जो इसने समझदारी दिखाई थी उस हिसाब से, तो
इसमें यह है कि पुरस्कार तो ठीक है मिला है, लेकिन मैं इस खतरनाक फील्ड में इसको डालना नहीं चाहता हूँ। इसका विचार है कि मैं आगे जाके मिलिट्री अटेंड करूँ। मैं जब छोटा था तो पापा लाते थे सांप पकड़ के, तो मेरे को खिला, मतलब मैं उनको पकड़ता था, तो शुरू से मेरा डर निकल गया। और मैं मतलब आंगन खेल रहा था बाहर, तो आंगनवाड़ी में अचानक हलचल मची और वो सब बोल रहे थे सांप सांप सांप। तो मैंने देखा वो झाड़ी के पीछे से सांप अंदर घुसा था, तो मैं अंदर गया और वो किचन में जो अलमारी पड़ी थी उसके नीचे सांप घुसा हुआ था। तो मैंने देखा ब्लैक इंडियन कोबरा, जिसको मैंने पास में चिमटा पड़ा था उससे चिमटे से पकड़ कर उसको बाहर निकाला और उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा, जिससे उन बच्चों की भी जान बची और सांप की भी जान बची। अच्छा, अभी तक कितने सांप पकड़ चुके होंगे आप? सांप तो मैंने बहुत सारे पकड़े, पर गिनती नहीं करी कि कितने पकड़े सांप। अच्छा, सांप कैसे पकड़ते हो आप, क्या करते हो इसके लिए, तकनीक क्या अपनाते हो? मतलब मैं पापा ने बता रखा कि जहर वाला अलग रहता है और बिना जहर वाला अलग रहता है। जैसे अगर बिना जहर वाला रहता है तो उसको पकड़ सकते हैं अलग तरीके से, और जहर वाले को सब अलग अलग तरीके से। इसके लिए क्या तकनीक कैसे रखते हो, मतलब क्या पहले कोई स्टिक लेते हो या उसकी पूंछ पकड़ते हो, कैसे पकड़ते हो आप? अगर कहां पे भी सांप घुसता है तो पास में वो डंडा या लकड़ी जो भी हो तो उससे मैं उस सांप को नुकसान नहीं हो ऐसे उसको पकड़ता हूँ पूंछ से और उसको बाहर निकाल के छोड़ देता हूँ। आपको डर नहीं लगता है इतने खतरनाक सांप पकड़ लेते हैं? नहीं। अच्छा, किससे सीखा है ये सब? ये सब तो मेरे पापा ने सिखाया था मेरे को। पापा क्या करते हैं? पापा टीचर है गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या उद्देश्य, क्या आपको सांप का, सांप से दोस्ती हो गई आपकी, क्या उद्देश्य है इसका? मेरे को ये उद्देश्य है कि कोई सांप को मारे नहीं, क्योंकि सांप एक ऐसा जीव है जो किसानों का मित्र है, क्योंकि अभी फसल आने वाली है तो चूहे मेंढक उनको खा के नष्ट कर देंगे, तो सांप उन चूहों को खा लेता है, तो उससे क्या किसानों का दोस्त है। और मेरे का ये है कि कोई भी सांप को मारे नहीं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।